छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था के खिलाफ स्टूडेंट ने मोर्चा खोल दिया है। घटिया खाना और नाश्ते के साथ ही भीषण गर्मी से परेशान स्टूडेंट्स पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और वार्डन को हटाने की मांग करते हुए जमकर हंगामा मचाया। छात्र छात्राओं ने कहा कि हॉस्टल में भारी अव्यवस्था और वार्डन द्वारा बच्चों को मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, जिसे लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रयास रेजिडेंशियल स्कूल से हैं सारे बच्चे, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पर ये गवर्नमेंट के अंडर होता है और हमको अपनी वार्डन से बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे कुछ भी बात जब होती है हमारी, हमको चुप करा दिया जाता है। बार बार हमको टीसी की धमकी मिलती है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमको टीसी दिया जाएगा, हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिख के दे दिया जाएगा कि तुम अच्छे नहीं हो, ये करके बार बार हमारे पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठती है सर कि तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं है, तुम्हारे ये अच्छे नहीं है वो अच्छे नहीं है करके सर हमारी प्रॉब्लम जो है हर बार दबा दिया जाता है सर। तो इस बार हम लोग सब मिलकर एक यूनिटी के साथ सर हम सर से बात करने आए हैं, कलेक्टर सर से, कि वो हमारी प्रॉब्लम को एक बार सुने सर और समझें कि हमको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें सर। हमको 3 से 4 दिन का समय दिए हैं सर, वो बोलें 3 से 4 दिन के बीच में जो वार्डन है उनका एक बार बोलेंगे कि उनको देखेंगे कि अगर उनका बिहेवियर सही है तो उनको रखेंगे और नहीं है तो चेंज करेंगे करके सर। हम अपनी प्रॉब्लम सर को बता दिए हैं।